बदलती जीवन शैली में हर कोई बीमारियों का शिकार होने लगा है। ऐसे में इन बीमारियों से बचने का आसान तरीका है योग करना। भोपाल में भी योगा सीखने के लिए हर उम्र के लोग पहुंच रहे हैं। इनका कहना है कि तन स्वस्थ रहेगा तभी तो मन स्वस्थ रहेगा। योग जिसमें शरीर मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है, तीनों के स्वस्थ रहने से आप स्वयं को स्वस्थ महसूस करते हैं। योग के जरिए न सिर्फ बीमारियों का निदान किया जाता है बल्कि इसे अपनाकर कई शारीरिक और मानसिक तकलीफों को दूर किया जा सकता है। आज की भागम भाग भरी जीवन शैली में हर कोई तनाव में जीवन व्यतीत करने लगा है जिससे कई बीमारियों ने उसे जकड़ रखा है। ऐसे में सभी अब योग का ही सहारा ले रहे हैं। भोपाल में भी योग का क्रेज बढ़ गया है जहां युवाओं से लेकर बुजुर्ग यानी हर उम्र के लोग योग करते दिखाई देते हैं जिसमें महिलाओं की संख्या भी काफी है। जी, मेरा सोचना ये है कि योग आज के समय में इसलिए जरूरी है कि मानसिक शांति सबसे ज्यादा मिलती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, अपने वैसे दिनचर्या के काम तो पूरे करते हैं लेकिन अपने टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो एक घंटा अपने लिए निकाला, अपने शरीर के बारे में सोचा, अपनी मानसिक तकलीफ सोचा, योग से पूरा शरीर खुल जाता है और एक एक नस जो है अपना प्रॉपर काम करने लग जाती है और पूरे शरीर में एक नई उत्तेजना भर जाती है। इससे जो है मतलब पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। योग से फायदे भी है, नियमित दिनचर्या होने लगी है। पहले मैं हार्ट पेशेंट था, मेरा हार्ट अटैक उठा था, कोलेस्ट्रॉल भी काफी बड़ा हुआ था। फिर टेस्ट कराने के बाद ब्लॉकेज थे, फिर मैंने योगा ज्वाइन किया। साल भर के अंदर मैंने योगा ज्वाइन किया तो मेरे ब्लॉकेज भी कम हुए, कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, मेरा वेट भी कम हो गया है और काफी फायदे हुए हैं। योगाचार्य पवन गुरु बताते हैं कि योग जीवन में नव ऊर्जा का संचार करता है। पवन गुरु को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लीडरशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पवन गुरु कहते हैं कि इसके फायदे को देखते हुए अब योग लोगों की जीवन शैली का ही हिस्सा बन गया है। देखिए आज का जो समय है वो लोगों को टेंशन है, वर्कलोड कुछ ज्यादा है, अपेक्षाएं लोगों की ज्यादा है और इस समय हमारा फिजिकल काफी कम हो गया है रूटीन के अंदर। तो हमें योग एक कंपल्सरी, हमारा एक कंपल्सरी एक जरूरत हो गई है और एक कंपल्सरी ऐसी चीज हो गई जो बॉडी और माइंड को फिट रखता है। और जब से वर्ल्ड योग डे मिला है उसके बाद लोगों ने इसकी और पहचान मिली है। दुनिया में तो थे ही, अब भारतवर्ष के अंदर भी लोग इसको समझने लगेंगे। ये साइंटिफिक तरीका है आपके बॉडी और माइंड को फिट रखने का तरीका है। योगा शरीर को शक्तिशाली और लचीला बनाए रखता है, साथ ही तनाव से भी छुटकारा दिलाता है जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी है। योगासन और मुद्राएं तन और मन दोनों को क्रियाशील बनाए रखती है।